हेलो दोस्तों, जीडी की दुनिया के अंदर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज हम बिल्कुल एक नई वाली गन ट्राई करने वाले हैं और वो बिल्कुल अलग सी होने वाली है। मुझे भी नहीं पता उस गन के अंदर क्या क्वालिटी है, बस इतना पता भाई वो सोनिक बूम करती है। मतलब कोई अलग सी भाई एनर्जी फेंकती है जिससे भाई पूरा एरिया उसका एकदम ब्लास्ट की तरह होता है। तो देखते हैं भाई वो गन कितनी एकदम पावरफुल होने वाली है और आज हम सिर्फ उसी गन को ट्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए भाई, ओहो भाई ये गाड़ी भी कमाल की है। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है तो एक गाड़ी को आप जरूर जानते होंगे। तो भाई ये लोगों की भीड़ खड़ी है, तो यहाँ अपनी गन ट्राई करते हैं और देखते हैं वो गन आखिरकार कितनी पावरफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको वो गन दिखाता हूँ, वो गन है कौन सी। बड़ी छोटी सी और प्यारी सी गन है और वो गन ये वाली है। तो ये देखो मौसम तो बड़ा आज का बढ़िया होने वाला है और देख सकते हैं सोनिक बूम फेंकती है छोटी सी और पावरफुल गन है भाई, ये तो कन्फर्म बात है। तो देखते हैं भाई कितनी पावरफुल है, कितने लोगों को धुआं से उड़ा देगी। ये देखो कोई खास फर्क नहीं पड़ा यार। अरे दो दो तीन तीन जा रहे हैं भाई, जबकि बम ब्लास्ट तो भाई बहुत कम है। इतने में अगर ब्लास्ट होता कोई तो सारे के सारे उड़ जाते, मगर यार सिंगल सिंगल बंदे ही उड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चलो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई। भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मगर यार अगर किसी इंसान को मानना है ना, एक पूरे ग्रुप को, तो ये शायद गन उतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो पहले टेस्ट में तो आपको पता लग गया किस चीज़ में अच्छी है किस में नहीं है। इस चीज़ में नहीं है भाई ग्रुप में। ये देखो भाई शूट कर रहा हूँ और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो चलो कोई बात नहीं भाई, किसी चीज़ से पड़ता है किसी चीज़ से नहीं पड़ता। आगे भी टेस्ट करेंगे इस गन को और देखते हैं भाई किस पे फर्क पड़ेगा किस पे नहीं पड़ेगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये देखो एक के बाद एक उड़ने में लगे पड़े बंदे, मगर मुझे इससे ज़्यादा वो था कि भाई इससे ज़्यादा खतरनाक होगी ये गन। चलो देखते हैं भाई और कहाँ कहाँ ट्राई करते हैं। आपको जादू दिखाने वाला हूँ कि भाई इसमें ये देखो अचानक से हेलीकॉप्टर आ गए उन लोगों की जगह और अभी तक उनका खून उन लोगों का रोड पे पड़ा हुआ है। तो अब ये इस गन को ट्राई करते हैं। मगर ज़्यादा नहीं यार, जितना मैंने एक्सेप्ट किया उतना नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मैं इससे ज़्यादा सोच रहा था, मैं भाई एक दो ब्लास्ट में हेलीकॉप्टर फट जाएंगे, भाई उतना कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। बहुत ज़्यादा गोलियां चलाने के बाद तब जाके भाई धुआं निकल रहा है इसमें और अब शायद ये फटने भी वाला है। तो चलो देखते हैं भाई कितनी देर में फटेगा। ये तो है भाई हेलीकॉप्टर, अब जाके ब्लास्ट हुआ है भाई। मगर ये तो है बड़ी गोलियां चलाने के बाद जाके अब ब्लास्ट होने शुरू हुए हैं। इसमें भी कुछ मैंने फायर करे थे इस वाले हेलीकॉप्टर में, ये सब भाई मैंने फटने के लिए तैयार कर दिए। एक बुलेट और अभी भी नहीं फटा, एक बार और ट्राई करते हैं, अभी भी नहीं। अब देखो आपने क्या धमाका हुआ, मगर यार मैं इसे 0 पॉइंट दूंगा। पहले भाई अगर एक किसी लोगों का ग्रुप है तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, मगर अगर हेलीकॉप्टर भाई ये चीज़ अगर हवा में उड़ रहा हो वो हेलीकॉप्टर को नीचे गिराना हो तो एक गन बिल्कुल परफेक्ट है। वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हो भाई इंसान भी नहीं मरेगा। तो चलो सही भाई, इसका तो इतिहास पता लग गया। अब आप देखोगे, चलो इस बग्घी को भी फोड़ के देखते हैं कि इसमें कितना दम है। भाई फास्ट एंड फ्यूरियस की भाई एक गाड़ी हो, कोई भी इसके आगे आती है ना अगर गाड़ी, तो हवा में ही दिखती है, इसके आगे कोई गाड़ी टिकती नहीं है। अगर आप भाई GTA 5 खेलते हो तो इस गाड़ी को जरूर ट्राई करना, बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। पुलिस वगैरह अगर पीछे पड़ी हो तो इस वाली गाड़ी से अच्छी कोई दूसरी गाड़ी हो ही नहीं सकती। तो देखते भाई इसमें कितनी पावर है। ये भाई गाड़ी भी बहुत सही दमदार है, झेल गई। तो और थोड़ा ये दोबारा ट्राई करते हैं। ओ भाई उछल रही है पूरी, ओबे हम ही पटक दिया भाई इसने। मतलब भाई गन पावरफुल है, एक मतलब एक क्या कहने से यार परफेक्ट इसके कहने को। वो भाई दोबारा फेंक दिए यार इसने, एक गनर गन को एनर्जी से छोड़ती है जिससे भाई हम भी दूर जाके गिरे। छोटी सी गन है भाई, वो पिद्दी सी गन है मगर कितनी तबाही मचाती है। अरे लग और गई भाई, हमारी हेल्थ भी कम हो भाई। चलो कोई बात नहीं, हम भी इस गाड़ी को आज फोड़ के ही मानने वाले हैं कि कितनी देर में फटती है। भाई अब फटने वाली है इसमें आग, तो मुझे लग रहा है कि पेट्रोल लीक हुआ है इसका दोबारा। ओ भाई तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो पिछली बार उस गन ने हमें मार ही डाला था और अब हम इस बोट पे ट्राई करने वाले हैं क्या ये गन इस बोट को कितनी जल्दी डुबा पाएगी या कितनी जल्दी ब्लास्ट कर पाएगी। अपनी गन तो निकल जा, मिल गई भाई हमें अपनी गन। ओ भाई पानी तो पूरा हिला डाला गन ने, ये तो है, ये देख रहे हो ये बोट गई। एक में कुछ नहीं हो भाई, दो बड़ी ढीठ बोट है भाई, फटने का नाम नहीं ले रही, पलटने तो वाली है। ओ पलट भी गई यार,
भाई मिल चुका हमें। अगर आप इससे बोट को मतलब पलटाना चाहते हो तो एक गन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसके अंदर भाई किसी का पीछा कर रहे हो और किसी को आप चाहते हो मरे ना, बस पानी के अंदर गिर जाए, तो एक गन आप ट्राई कर सकते हो। अब ये अपनी आर्मर्ड कार है भाई, इसको भी एक बार ट्राई कर लिया जाए। देखो पूरी बुलेट प्रूफ कार है, और देखते हैं इस गन का इस पर क्या असर होने वाला है। तो ये देख सकते हैं, हो भाई आगे के कांच गायब हो चुके हैं यार, आगे कांच नहीं है इसमें। बुलेट प्रूफ गाड़ी का आगे का शीशे भाई सारे तोड़ दिए इसने। एक मतलब क्या कहूँ इसके एनर्जी, इसके जो भी कह लो उसमें, मतलब यार ये सही में इसमें एनर्जी तो है गन में कोई। पूरी गाड़ी भाई इतनी आर्मर्ड, इतनी हैवी गाड़ी हिल रही है, तो भाई कुछ तो बात होगी भाई इस गन में। तो एक बार दोबारा से ट्राई, फिर जाके दूर जाके गिरी भाई। चलो अब मिसाइल दी भाई, मिसाइल दी, गड़बड़ हो जाती। देख सकते हो आप इस गाड़ी का शीशा गायब हो चुका है भाई। अब चलो इसे ऊपर फेंकते हैं, देखते हैं क्या वो बचेगी इतनी गोलियों के बाद या नहीं बचेगी, क्योंकि गाड़ी में भी कम दम नहीं है भाई। पूरी गाड़ी भाई इतनी तगड़ी पावर से ऊपर ही चलेगी डायरेक्ट। चलो भाई अब फोड़ेंगे नहीं, से हमें चलाना है। तो लो दोस्तों दोबारा से आ गए हम अपनी दूसरी जगह, दूसरी, यहाँ कुछ हमने अलग सा इंतजाम करवा रखा है। ये देखो हमारा इंतजाम भाई, हम अपने इतने मिलियन डॉलर इन एक्सपेरिमेंट में खर्च कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये हम उतरे और यहाँ इस गन को देखते हैं, क्या ये गन पेट्रोल टैंकर को फोड़ सकती है या इसमें भी बिल्कुल फुस होने वाली है। तो ये ब्लास्ट भाई, ये तो मैंने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा। ये कुछ बचे हुए हैं, ये ले भाई। इसके तो अलग अलग कैमरे के एंगल से व्यू बनते हैं बॉस, क्योंकि भाई मैंने नहीं देखा इसे क्या हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ। पीछे के टैंकर तो मुझे पता है ब्लास्ट हुए, मगर आगे के टैंकर पे बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि कैसे ब्लास्ट हुए, क्या हुआ है। तो चलो देखते हैं भाई, पहले इनके आसपास चल के देखते हैं टैंकरों को भाई क्या चल रहा है, कितने बचा है कोई या नहीं बचा। गाड़ी तो अभी तक हमारी स्टार्ट हो गई, तो जैसा कि आप देखते हो एक भी टैंकर भाई नहीं बचा, सारे के सारे फट चुके हैं। ये देखो भाई गाड़ी अलग ही डांस कर रही है अपनी। तो एक बार यहाँ से कैमरे का व्यू और ले लिया जाए, उसके बाद चलते हैं भाई अपनी दूसरी जगह पे और देखते हैं भाई क्या यहाँ तहलका मचाया है। देख रहे हो एक सिंगल बुलेट ने भाई पूरी तबाही, बुलेट तो नहीं रहे, एक भाई पेट्रोल टैंकर बचा वो भी मैंने बोल दिया, मतलब एक सोनिक बूम। हम इस गोली की, इस बंदूक की गोली को गोली नहीं कहेंगे, सोनिक बूम कहेंगे। तो भाई यहाँ आप हमारी बातचीत देखो भाई, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जीटे में अपना राज है बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ हमने क्या अपनी बातचीत से क्या चीज़ मंगवा रखी है, पूरा का पूरा भाई कार्गो प्लेन ही हमने मेन हाईवे पे लैंड करवा दिया। और आपको क्या चाहिए, अब तो जाके भाई चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। ये देखो भाई देखते हैं इस गन, क्या ये गन इस प्लेन का कुछ कर भी पाती है या नहीं। भाई प्लेन को तो कुछ नहीं हो रहा, हल्का सा हिल रहा है बस। तो इसके इंजन पर फायर करके देखते हैं एक बार, कुछ भी नहीं हो रहा यार, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मुझे तो नहीं लगता इस गन से कुछ होने वाला है। तो वैसे मैं सोच रहा था कोई दूसरी चीज़ यूज़ ना करूँ इसे ब्लास्ट करने के लिए, मगर एक अभी प्लेन को फोड़े बिना में चैन भी नहीं मिलेगा। तो अपनी जल्दी से निकाल लेते हैं जादू टोने वाली गन, गन नहीं सॉरी होमी गन लॉन्चर। ये देखो सिंगल में भाई लॉन्चर में कुछ भी नहीं हुआ, ये सेकंड रॉकेट में भाई देखते हैं। ओ नोक कैसे निकल गई इसकी, इसे भी तोड़ो 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 जल्दी, देख रहे हो क्या निकाल दिया। हाँ बस ये लो भाई प्लेन, देखा आपने क्या हो रहा था इसमें, आगे से पता नहीं कौन सा इसमें बटन दब गया जो खुल रहा था। पुलिस वाला और खड़ा है भाई, देख रहा है दूरबीन से, कंप्लेंट करेगा हमारी। ये ले, ये भी भाई यहाँ पे जा चुका है हमें छोड़ के। ये देख रहे हो पूरा सिनेमेटिक व्यू के आप मजे लीजिए यहाँ पे, कितनी सारी हमने अपने सोनिक बूम चलाई, उस गन का नाम हमने सोनिक बूम रखा है आज से, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी एक सिंगल भी फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई इस गन से तो अपने सोनिक बूम वाली से प्लेन का कुछ भी नहीं हुआ, सिंगल एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो आ जाइए अपनी दूसरी जगह भाई, यहाँ पे मुझे अचानक से पुलिस वाला दिखा, कहीं पुलिस वाला भाई चोर का पीछा कर रहा है और मैं आ गया पुलिस वालों की मदद करने के लिए। यहाँ भाई एक चोर है, वो देखो भाई बंदा भाग रहा है कितनी तेजी में। तो भाई बंदा तो भाग रहा है तेजी में, मगर ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा, क्योंकि भाई अपनी सोनिक बूम वाली गन ट्राई करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो भाई बस ये लो खेल ख़त्म, ये लो भाई बंदे का आखिरी यहीं तक था इसका साथ, वो बंदा जा चुका। एक गाड़ी आ गई, इसको भी देखते हैं क्या होने वाला। ओ वैसे भाई गाड़ियाँ फट नहीं रही, मगर एक मिनट में पलट गई इसके एक बूम से। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
मार देंगे इस पुलिस वाले को, नहीं चलो यार छोड़ दो, क्योंकि भाई पुलिस वालों से ये देखो ये कौन है भाई, ये दूसरा पुलिस वाला है, अच्छा अभी मैं इसे मार देता फिर ये रोता। तो ये अपनी हुई गाड़ी स्टार्ट, भाई इस गाड़ी की भी कहनी पड़ेगी, इतना होने के बाद भी रुकी नहीं। तो अब आ गया इस गाड़ी का फाइनल टाइम, अब देखते हैं इसमें कितनी दम है गाड़ी में। और यहाँ पे भाई इस गाड़ी को हम कर देंगे टाटा बाय बाय। ये देखो ओ एक सिंगल बूम, चल निकल यहाँ से। पूरी गाड़ी भाई पलटती हुई गई भाई, आर्मर्ड गाड़ी इसलिए ही तो बढ़िया होती है। अब देखते हैं स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इतना होने के बाद भाई कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो भाई ये गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। ओ भाई जैसे को तैसा मैं अभी मरते मरते बचाऊँ, बिल्कुल कितनी गंदी गाड़ी है। तो भाई अब आपको दिखाने का ना टाइम है अपनी बातचीत, एक जल्दी से कॉल करते हैं गाड़ी मंगाते हैं। ये लो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है, इतनी तगड़ी बातचीत है जीटी की दुनिया में, एक कॉल में भाई सारे काम हो जाते हैं हमारे। और ये भी भाई फास्ट एंड फ्यूरियस की अगर आप गाड़ी, अगर आपको याद होगा डोमिनिक टेरेटो, तो डोमिनिक भाई टेरेटो जो उसका कैरेक्टर था फास्ट एंड फ्यूरियस का, वो भाई इसी गाड़ी के सारे बसता है, इस पर जंप करता है ट्रेन से तब जाके बसता है वो, शायद आपको पता होगा अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है। तो भाई अब आ गए हम इस ब्रिज पे, सबसे ऊंचे भाई टावर पे लाइट वाले पे, और इसमें एक अलग सी साउंड आ रही है इसमें भाई टावर पे, जैसे लाइट के खंभों में आती है। ये देखो भाई एक गोली में भाई गिर गया भाई एक गोली में, चलो जाओ यहाँ से कोई बात नहीं। ओ दोस्तों हम फिर से लौट के आ चुके हैं, हमें कोई मार नहीं सकता एक बार में तो मरेगी नहीं। और भाई जिस हॉस्पिटल में हम थे ये इतना तो भाई अपने या कोई मेडिकल स्टोर होता है, और ये पता नहीं अजीब सा हॉस्पिटल था, मगर भाई इनकी सर्विस थोड़ी ठीक ठाक थी मतलब, मगर इतने पैसे वाले आदमी को इस हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया भाई, पता नहीं क्या बात है वो भाई। ये तो ट्रेन तो अपनी जानी दुश्मन है, जिस दिन भाई मैं ट्रेन को रोक लूंगा उस दिन मतलब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मेरे दुनिया में आने का कारण सफल हो जाएगा, मुझे बस इस ट्रेन को रोकना है एक बार, वो भी भाई अपने गनों के सारे, कितने भी हैवी गनों, किसी दिन तो भाई इस ट्रेन को जरूर रोकने वाले हैं हम, इतने भाई कुछ भी नहीं होने वाला है इससे, इस गन से तो खैर कुछ नहीं होने वाला। तो आ चुके हैं भाई अपने हम तीसरे नहीं खैर पता नहीं कौन से कितने हो गए, मुझे भी नहीं पता क्या क्या कर लिया आज की आज हमने। तो देखते हैं अब ये गन कितनी बुलेट में इस गाड़ियों को फोड़ पाएगी, एक में दो में। ओ तो यार अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बस तीन गोलियों में वो फट गई। तो हम रास्ते में चल लेते तो अचानक एक फल वाली दुकान मिली, और इसके सारे के सारे फल एक्सपायर थे, तो भाई इसका बदला तो लिया, इसने मुझे एक्सपायर फल खिलाए भाई, मैं हॉस्पिटल से निकला और एक्सपायर फल खिला दिए मुझे। तो इन सबको भाई अब ये कि हम तोड़ देंगे सबको, किसी को छोड़ने नहीं वाले, क्यों हमें एक्सपायर फल खिलाने का भाई नतीजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये देखो आम रखे हुए हैं भाई, आम का सीजन नहीं है फिर भी आम रखे तो एक्सपायर तो होंगे भाई, पूरे भाई केमिकल के बने हुए हैं, तो हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, यहाँ आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मगर यार फल वाला भी बहुत गरीब है, मगर कोई बात नहीं, चलो फल वाले के लिए अब अलग से थोड़े से पैसे रख देंगे जिससे भाई उसे भी दिक्कत ना हो। ये देखो पूरे के पूरे यहाँ पे मैंने ढंग से इनका नाश कर दिया। ओ आग लग चुकी है भाई, आग को हमें बुझाना होगा जल्दी जल्दी, आग को भाई बुझाना होगा, अगर आग ज़्यादा फैल गई तो भाई जो भी इस फल का मालिक है इस दुकान का उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जल्दी चलते दोस्तों आग बुझाते हैं सबसे पहले, तो ये अपना फायर, हाँ भाई बुझ तो रही है, फ़र्क तो पड़ रहा है। ये देखो पूरा सिलेंडर वगैरह फट गया, मुझे पता नहीं था वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, वरना मैं वहाँ शूट नहीं करता, मैं सारे दिन फल वाली रेडियो को तोड़ देता, बाकी वहाँ शूट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। कितना सारा भाई अपना यूज़ कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, गलती भी मेरी तो यूज़ भी मैं ही करूँगा। तो मगर हम भाई इस फल वाले को अभी यहीं पैसे दे के जाने वाले हैं जिससे भाई ये अच्छे ताज़े फल खरीद सके, और भाई बिना केमिकल वाले भाई। तो चलो इसे यहाँ पे पैसे दे देते हैं कुछ, तो जैसा कि आप देखते हो भाई वहाँ पे कितने सारे मैंने इसे पैसे रख दिए भाई, इतने पैसों में तो ये कुछ भी कर सकता है। अपने भाई लैम्बोर्गिनी लिया एक, मगर कोई बात नहीं, हमने भाई करा, इसने जो करा उसकी सजा दी, उसके बाद हमने इसे थोड़े से पैसे भी दे दिए, तो हाँ सही है इतना।
तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही देना। और ये देखो भाई एंडिंग भी हम बिल्कुल तगड़े तरीके से करने वाले हैं भाई, आपका साथ बहुत अच्छा है। आज की जब भी हम वीडियो के एंड करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच।